इलेक्शन कमिश्नर नीरज। देखिए बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोनों चुनाव आयुक्त मंच पे पहुंच गए हैं और हमारे पीछे आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। राजीव कुमार है, दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यहाँ चुनाव की घोषणा के लिए जो स्टेटमेंट है उसके जारी होने की शुरुआत हो गई है। अब पहले मुख्य चुनाव आयुक्त संबोधित करेंगे और वही तमाम कार्यक्रम को हमारे सामने पेश करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिखा दे, जो पीछे का बैकग्राउंड है चेंज हो गया है, स्टेट और यूटी लिखा हुआ है रूबिका। देखिए न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा था। रोक रही हूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार जी ऑन द डायस, वी आल्सो हैव विद अस सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द कमीशन, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर नितेश व्यास जी, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर हृदेश कुमार, मिस्टर मनोज कुमार साहू एंड मिस्टर संजय कुमार। आई एम मनोज चांडक, जॉइंट डायरेक्टर मीडिया फॉर द कमीशन। द फॉर्मेट ऑफ द पीसी विल बी एज फॉलोज। There will be opening remarks by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ji along with the presentation. The copy of the presentation will be shared with you after this press conference. Following this, there will be a question and answer session. Please confine your questions to the review of poll preparedness. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put out your question. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. I would request you to please keep your mobile phones on silent mode. Now I request Honorable CEC to kindly deliver the opening remarks. Mananiya Nirvachan Ayuk Shri Gyanesh Kumar ji on my right, Dr. Sukhveer Singh Sandhu ji Nirvachan Ayukt on my left, Ayog ke varishth adhikari gan aur media ke sahakarmiyon, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो जो पड़ाव निकला, अब दूसरे पड़ाव पर आपसे आज मुलाकात हो रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि थ्री जेंटलमैन आर येट बैक अगेन। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे आपको विदित है विश्व स्तर की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी, सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उसने पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए बहुत स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक सरप्लसेस क्रिएट किए, बिना किसी वायलेंस के पीसफुल हुई और देशभर ने चुनाव का पर्व मनाया। हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। पहली बार मैक्सिमम वर्ल्ड में पोलिंग हुई, मेल फीमेल टोटल, मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें, बुजुर्गों की भागीदारी, यूथ, जीरो पोल्स, मैसिव सीजर्स और फेस्टिव माहौल हमने देखा। बहुत सारे युवा साथियों ने हमारे साथ मिलके हमारे इलेक्शन एम्बेसडर्स के रूप में काम किया और लोकतंत्र का एक बिल्कुल जीवित उदाहरण देश ने देखा। गांव में, देहात में, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सेंट्रल, LWE एरियाज, J&K, डेजर्ट्स, एवरीवेयर जो तस्वीरें दुनिया को भारत ने दिखाई वो सभी को चकित करने वाली थी। इससे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग मैसेज गया और जो चमक हमने देखी उस समय वो चमक बहुत दिन तक दिखाई देती रहेगी। जब जब विश्व में चुनाव होंगे, कहीं भी किसी भी देश में हो, आपको निश्चित रूप से अपने चुनावों की तुलनात्मक याद आती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है और वो हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाता रहेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और उसके बाद हरियाणा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आयोग हमारे सारे सहकर्मी वहां गए थे और एक बहुत ही नायाब किस्म का एंथुजियाज्म और डेमोक्रेसी के प्रति एक ललक और पार्टिसिपेट करने की इच्छा सबके अंदर दिखाई दी। जितने लोगों से हमने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, बहुत सारे लोगों से भी, सबकी एक मतलब एक 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 ललक, एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो हम आपको जो उम्मीद और जो यकीन पैदा हुआ था 2024 का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करूं तो आपको याद है
कि मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी। एवरीबडी वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट, प्रूव ए पॉइंट दैट वी आर हियर इन दिस क्यू नॉट ओनली टू वोट बट टू डिमॉन्स्ट्रेट ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट डेमोक्रेसी फ्लरिशेज इन दिस एरिया। और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थीं कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। आपको याद होगा कि जो वैली की तीन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थीं उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। आपको यह भी याद होगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की थी। द इलेक्शंस विच वी से शुड बी इंक्लूसिव, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेट ए फुल चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो हमने इनको सरलीकरण किया था उस समय में, जो इस समय भी जारी रहेगा। क्या किया था कि फॉर्म एम को हमने रिलैक्स किया था और कुछ बहुत ही कंबरसम प्रोसेसेस थे जिसमें सेल्फ अटेस्टेशन की आवश्यकता होती, जिसमें ऑथराइजेशन कराने की आवश्यकता होती थी, उसको सेल्फ अटेस्टेशन पर लेके आए थे। उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिले और लोगों ने बढ़ चढ़ के, माइग्रेंट्स ने भी हिस्सा लिया।